हेलो फ्रेंड्स, बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि एक एम्पलीफायर से स्पीकर को कैसे कनेक्ट करते हैं करेक्ट ओम मैचिंग के साथ में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा एम्पलीफायर, ये रहा हमारा स्पीकर एंड ये रहा हमारा ऑक्स केबल। तो चलिए वन बाई वन मैं आपको कैसा कनेक्शन बताता हूँ कि कैसे इसको कनेक्ट किया जाता है, कैसे प्ले किया जाता है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास एक 30 वॉट्स का एम्पलीफायर है जो कि एक PA एम्पलीफायर है, जिसमें कि दो माइक के इनपुट रहते हैं एंड एक ऑक्स का इनपुट रहता है। काफ़ी सिंपल एम्पलीफायर है, ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया। तो चलिए हमारा स्पीकर कनेक्शन इसके पीछे लगता है, तो उसको टर्न करके देखते हैं कि हमको कौन से टर्मिनल्स प्रोवाइड होते हैं। सो फ्रेंड्स, इसमें हमको सबसे पहले फ्यूज़ देखने को मिल जाता है, एक ग्राउंड अर्थिंग का कनेक्शन, दो हमारे ये हैं इसमें रजिस्टर्स, या इसको ट्रांजिस्टर्स बोल सकते हैं, ये रही मेन केबल, ये रहा DC इनपुट 12 वोल्ट्स पे, ये है हमारे स्पीकर आउटपुट। तो आइए हम बात करते हैं कि ओम कनेक्शन या ओम मैचिंग की। जैसा कि आप देख सकते हैं, हर एम्पलीफायर के पीछे या हर PA एम्पलीफायर के पीछे आपको कॉमन का सबसे पहले दिखता होगा एक आउटपुट, उसके बाद दिखता होगा 4 ओम्स, 8 ओम्स, 16 ओम्स एंड 100 वोल्ट्स। कहीं कहीं 2 ओम्स भी होता है, बट उसमें फिर 16 ओम्स आपको नहीं देखने को मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक नॉर्मल इम्पीडेंस स्पीकर का होता है 8 ओम्स का, इसलिए मैंने भी 8 ओम्स में ही इसको कनेक्ट कर रखा है। यहाँ मैं एक स्पीकर आपको टेस्ट करके और कनेक्ट करके दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ अगर दो होते हमारे पास एंड उसको अगर हम पैरेलल में लगाते तो ये बन जाता 4 ओम्स का, क्योंकि 8 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारा 4 ओम्स बन जाएगा। एंड यहीं अगर लाउड स्पीकर, जैसा कि आप जानते हैं लाउड स्पीकर हॉर्न या ड्राइवर यूनिट्स, इनको कनेक्ट करते हैं, इनका इम्पीडेंस होता है 16 ओम्स का। अगर आप दो हॉर्न लगाएंगे तो आपका बनेगा 8 ओम्स में, 4 हॉर्न्स आप लगाएंगे तो ये बन जाएगा 4 ओम्स पे। तो आइए हमारे पास जो 8 ओम्स का स्पीकर है उसको कॉमन 8 ओम में कनेक्ट करते हैं। एक चीज़ और, जो कॉमन होता है ये आपका माइनस होता है, कभी आप इसमें या इसमें दोनों वायर मत लगाइएगा, आपका माइनस कॉमन होता है एंड बाकी जितने ओम्स हैं ये आपके प्लस का आउटपुट होता है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि देख सकते हैं, ये एक 8 इंच का स्पीकर है जो कि 50 वॉट्स पे है एंड इसका इम्पीडेंस 8 ओम्स रहता है। इसमें कनेक्टिंग टर्मिनल्स नहीं होते हैं, इसमें डायरेक्ट बाइंडिंग पोर्ट्स होते हैं, जिसमें कि प्लस होता है एक साइड हमारा, एक साइड माइनस होता है। इसकी वॉइस कॉइल 0.75 या कहीं कहीं 0.50 इंच की भी होती है। जैसे आप देख सकते हैं, ये रहा अंदर की क्वालिटी, इसमें स्पाइडर अंदर लगा हुआ है। तो आइए अपने स्पीकर को कनेक्ट करते हैं अपने एम्पलीफायर से। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास जो स्पीकर करेंटली है उसमें ग्रीन वाला वायर हमने माइनस का ले रखा है एंड येलो वाले वायर को अपने प्लस में ले रखे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंगली अपने एम्पलीफायर से वायर से कनेक्ट करते हैं। प्लस को हमने लगाया अपने ब्लू वायर में, जो कि हमारा 8 ओम से पॉजिटिव आउटपुट ला रहा है, एंड हमारा ब्लैक वायर माइनस का था जो कि हम अपने ग्रीन वायर से कनेक्ट कर रहे हैं। ये काफ़ी लो पावर का आउटपुट देता है, तो इसमें टेप लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट लेकिन आप अपनी सेफ्टी के लिए या लॉन्ग टाइम अगर आपको परमानेंट कनेक्ट रखना है तो इसमें आपको वायर के ऊपर अपना टेपिंग प्रॉपर करनी पड़ेगी। सो फ्रेंड्स, अपने एम्पलीफायर को ऑन करते हैं। ये रही हमारी ऑक्सी वॉल्यूम, इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं एंड हम प्ले करने जा रहे हैं NCS का सॉन्ग, जिसमें कोई कॉपीराइट नहीं लगता है। तो ये अपना साउंड टेस्ट करके देखते हैं। फ्रेंड्स, आपने साउंड टेस्ट देखा एंड कनेक्शन देखा, आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे क्या कनेक्ट करना है। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, चाहे छोटे एम्पलीफायर हो चाहे बड़े एम्पलीफायर हो, अगर इसमें आपको कॉमन के साथ में ओम्स का आउटपुट मिल रहा है तो आपका कॉमन जो होता है वो माइनस होता है एंड जितने भी ओम्स होते हैं 2 ओम, 4 ओम, 8 ओम, 16 ओम, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है। कभी दोनों टर्मिनल को अपने ओम्स से मत लगाइएगा, एक आपका कॉमन में जाएगा जो कि माइनस होगा एंड बाकी अपना प्लस ओम्स के हिसाब से रख लीजिएगा। जितने ज़्यादा स्पीकर होंगे, अगर आप पैरेलल में लगा रहे हैं तो उतना ओम डिवाइड होता जाएगा नंबर ऑफ स्पीकर के हिसाब से। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए उसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय गाइस।